नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपको बहुत बहुत स्वागत GNT पे। ये है ओम शांति ओम। हम लोग शुरुआत करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। सीधा बैठ जाएं, ठुड्डी छाती की ओर, लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। योग अभ्यास के लिए रिलैक्स हो जाएं, हाथ को छाती की ओर। शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। हम शुरुआत करेंगे ध्यान के साथ। बस आराम से बैठे हैं, लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अपने माइंड को डिस्कनेक्ट कर लें, व्हाट्सएप से, फैमिली से, बच्चों से, काम से, और योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। ये रिलैक्सेशन का प्रोसेस, फोकस का प्रोसेस आसन के पहले ज़रूरी है। आराम से आँख खोलें। अब बस दिवाली आने वाली है, मौसम बदल रहा है, त्यौहार का सीज़न शुरू हो गया है। बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु क्या होता है कि वेदर चेंज में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हम लोग बाहर भी ज़्यादा जा रहे हैं, खाना भी बाहर खा रहे हैं, तो क्या होता है कि त्यौहार के सीज़न तो है ही, परंतु इस त्यौहार के सीज़न में हमारे ज़िंदगी में थोड़ी सी बीमारी भी आ सकती है, ख़ास तौर साइनस की बीमारी। साइनस प्रॉब्लम्स इस टाइम पर बहुत होती हैं, क्योंकि प्रदूषण भी बढ़ जाता है एनवायरनमेंट में। जैसे सर्दी आती है तो प्रदूषण बढ़ जाता है, और साइनस से लोग बहुत सफ़र करते हैं। और साइनस की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हमको इतनी इरिटेट करती है, इतना पेन होता है, और ये छोटे से प्रॉब्लम के कारण हमारा मन बिल्कुल किसी चीज़ में नहीं लगता है। पर साइनस ऐसा भी प्रॉब्लम है कि बहुत ईजिली हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। मैंने तो लोगों को देखा है कि थोड़ा सा साइनस पेन और सीधा इन्हें दवाई ली, सीधा इन लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए, और ये कितना बुरा होता है। इससे आप अपना पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिबिलिटेट कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि योग के द्वारा और नेचुरल रेमेडीज़ के द्वारा आप अपने साइनस को ठीक करें। और ये हो सकता है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटी थी, मुझको इतना होता था, टॉन्सिलाइटिस, थ्रोट प्रॉब्लम, साइनस प्रॉब्लम, मैं आपको बता नहीं सकती थी। परंतु जब मैंने योग शुरू किया तो फिर खुद ही ये समस्या मेरी ज़िंदगी से निकल गई, और अब तो मुझको याद ही नहीं रहा कि ये प्रॉब्लम होती क्या थी। आप ये सोचिए कि एक ही इंडिविजुअल में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ योग अभ्यास के साथ। तो क्या करना चाहिए साइनस प्रॉब्लम के लिए? सबसे पहले आप जल नेति का अभ्यास करें। परंतु जल नीति का अभ्यास आप जब मत करें कि जब आपको साइनस पेन हो रहा है। जल नीति एक प्रिवेंटिटिव मेजर है। लोग क्या करते हैं कि साइनस पेन हो गया और खूब जल नीति करते हैं उस समय पे, ये आपको नुकसान दिला सकता है। अगर आपको जल साइनस आपको होता रहता है तो आप जल नीति जब शुरुआत करें कि ज़्यादा जब आपको पेन नहीं है, क्योंकि एक प्रिवेंटिटिव टेक्निक है। जल नीति और योग अभ्यास प्रिवेंटिव टेक्निक्स हैं, आप ये सावधान रहें। साइनस को हटाने के लिए सबसे अच्छा होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं आपको वो भी बताऊंगी, फिर मैं आपको वो आसन्स बताऊंगी जो आपकी साइनस को तुरंत खोल सकता है। जैसे मैंने बताया, मुझको तो साइनस प्रॉब्लम्स में एक्सपर्टीज है, क्योंकि मैंने खुद की साइनस प्रॉब्लम्स ठीक किए हैं योग और प्राणायाम के द्वारा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास,
ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये आपके दोनों नॉस्ट्रल्स को खोल देता है। साइनस में क्या होता है कि खासतौर के दोनों नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो जाती हैं या कभी कभी एक नॉस्ट्रल बहुत ही ब्लॉक हो जाती हैं। चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपना सीधा हाथ आप विष्णु मुद्रा में लें, तो आप अपनी बीच वाली उंगली और दूसरी उंगली अपने पाम्स पे लगाएं, अपने दूसरे हाथ चिन्ह मुद्रा में नी पे। आप अच्छे से ये मुद्रा बनाएं, क्योंकि मुद्रा में क्या लाभ होता है, आप ये सोचिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट होता है। जब हम प्लग इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट के अंदर डालते हैं तो फिर करंट फ्लो होता है। तो जब हम ये मुद्रा बनाते हैं तो वही हमारे शरीर के अंदर करंट फ्लो शुरू हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि आप एक प्लग यहाँ पे लगा रहे हैं और उस प्लग के लगाने से द्वारा एक करंट फ्लो हो जाएगा। आप अपने एल्बो को छाती की ओर, अपना अंगूठा, आप ये जो लाइन होती है जो आपकी नथेली के साथ जुड़ती है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे दबाएं। दूसरी दो उंगलियों पे आप लेफ्ट नॉस्ट्रल पे, आप अपना लेफ्ट हैंड नी पे अच्छे से लगाते रहें और यहाँ पे आप अपने सीधे नथेली को बंद करेंगे हल्के के प्रेशर के साथ। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको बस हल्का सा प्रेशर लगाना है सीधी नॉस्ट्रल पे और आप लेफ्ट साइड अब इनहेल करेंगे, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करें, फिर आप लेफ्ट को ब्लॉक करके राइट से आप ब्रीद आउट करें। अब इनहेल राइट, लेफ्ट क्लोज्ड, रिटेन और एक्सहेल लेफ्ट राइट क्लोज्ड, इनहेल लेफ्ट, रिटेन, एक्सहेल राइट लेफ्ट क्लोज्ड, इनहेल राइट लेफ्ट क्लोज्ड, रिटेन और एक्सहेल लेफ्ट। हाथ को नीचे। अगर आपने साथ साथ अभ्यास किया हो तो शायद से आपकी नाक बहना शुरू हो गई, कभी कभी ये भी होता है, तो साथ में आप टिश्यू रखें या कुछ टॉवल रखें। आप ये चीज़ ध्यान रखें कि हम अनुलोम विलोम हर वक्त लेफ्ट से शुरुआत करते हैं और लेफ्ट से हम एंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो नाड़ियाँ होती हैं, सूर्य नाड़ी जो हमारे राइट साइड पे होती है और चंद्र नाड़ी जो हमारे लेफ्ट साइड पे होती है। और चंद्र नाड़ी थोड़ा सा स्लो होता है, सूर्य नाड़ी थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, सूर्य चंद्र में यही फ़र्क है। तो हम इसलिए लेफ्ट साइड से शुरुआत करते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक्टिवेट करने में चंद्र नाड़ी को समय लगता है। तो हम शुरुआत हर वक्त लेफ्ट से करेंगे हमारे चंद्र नाड़ी के साथ और हम लोग राइट पे जाएंगे और फिर हम लोग ख़त्म करेंगे चंद्र नाड़ी में। ये हुआ एक राउंड अनुलोम विलोम का। आप शुरुआत में जब करेंगे तो आप बिना काउंटिंग के करें, आप बस ये कोशिश करें कि लंबी गहरी सांस अंदर, दो या पाँच सेकंड के लिए रिटेन और फिर राइट से एक्सहेल। समय के साथ आप काउंटिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जब आप 4 में इनहेल कर रहे हैं, 16 पे रिटेन कर रहे हैं और 8 पे आप एक्सहेल कर रहे हैं। हम लोग एक राउंड साथ साथ करेंगे। विष्णु मुद्रा, हाथ को नाक की ओर, आप अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद, इनहेल लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, रिटेन क्लोजिंग बोथ नॉस्ट्रल्स, पूरा फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बिंदु आईब्राउ सेंटर में। यहाँ पे आप 14 सेकंड के लिए रुके रहें, यहाँ पे आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। फिर लेफ्ट से एक्सहेल, राइट क्लोज्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, इनहेल राइट लेफ्ट क्लोज्ड, 1, 2, 3, 4, रिटेन, सेकेंड्स, एक्सहेल लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, हाथ को नीचे। ये हुआ आपका एक राउंड।
अब हम देखेंगे आसन जो साइनस प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो भी हम साइड वाले आसन करते हैं ट्विस्ट के साथ, ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये हमारे पैरानेजल कैविटी को खोल देते हैं। जो आसन साइड ट्विस्टिंग वाले रहते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो खोल देते हैं हमारी पैरानेजल साइनस कैविटी, जो यहाँ पे कैविटी होती है जस्ट के हमारे साइनस होती हैं। तो अगर आप ट्विस्ट करके होल्ड करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको दो ट्विस्ट बताऊँगी, एक बहुत सिंपल और एक हम लोग करेंगे अर्धमत्स्येन्द्र आसन, जो मेरा पर्सनल फेवरेट आसन है। तो चलिए शुरुआत करें, अपने हाथ को ऊपर ले आएँ और यहीं से आप बस सीधे और ट्विस्ट हो जाएं और पूरा ट्विस्ट करें, मैक्सिमम करें। आप यहाँ पे ये कोशिश करें कि ठुड्डी आपके एल्बो के साथ, और पूरा ट्विस्ट करते जाएं। यहाँ पे आँख बंद और लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। जितना लंबे समय के लिए आप होल्ड करें उतना ही बेहतरीन। अगर आपके पीछे कुछ दीवार है तो आप अपने एक हाथ दीवार पर लगा सकते हैं और भी ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं पीछे, ये भी बहुत अच्छा होता है आसन के लिए। अंदर और बाहर, फिर वापस आ जाएं और इसी चीज़ को हम दूसरी ओर करेंगे। बस आप ये देखें कि आप जल्दबाजी में ना करें, जर्क के साथ ना करें इसको। आप लंबे समय के लिए आपको होल्ड करना पड़ता है। योग एक फास्ट एक्टिंग मेडिसिन नहीं है। इनफैक्ट जो भी फास्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है वो बस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होती है और उसका ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता है हमारे शरीर पे। तो जो चीज़ स्लोली फ़ायदा करेगी वही चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छे से ट्विस्ट करके यहाँ आप लगे रहें एटलीस्ट 1 या 2 मिनट्स के लिए, और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ये आपको योगिक ब्रीदिंग करनी है यहाँ पे, जो हमने इसी शो पे बहुत बार हमने इसको देखा है। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, फिर आप आराम से वापस आ जाएं और अब हम करेंगे अर्धमत्स्येन्द्र आसन का अभ्यास। दोनों टांगों को आप सामने ले आएं और सीधा टांग आप लेफ्ट के ऊपर ले आइए और लेफ्ट को थोड़ा सा फोल्ड करिए। तो ये स्थिति बनती है। अपने नी को अच्छे से छाती की ओर, अपने हाथ को आप साइड में ले आएं और यहाँ से आप अच्छे से सीधे और ट्विस्ट हो जाएं। और आपको यहाँ महसूस होएगा कि कितना अच्छा लंबा डीप ट्विस्ट हो रहा है। जो सुख आसन में हमने ट्विस्ट किया था वो इतना डीप नहीं हो पा रहा था जितना अर्धमत्स्येन्द्र आसन में। यहाँ पे अच्छे से ट्विस्ट करिए। इस आसन का नाम मत्स्येन्द्र ऋषि के द्वारा आया है। मत्स्येन्द्र ऋषि, बोला गया है कि मत्स्येन्द्र ऋषि ने इसी आसन का अभ्यास करके मोक्ष पाया था। अपना हाथ यहाँ आप थाइस के थ्रू ले सकते हैं और पीछे इसको जोड़ सकते हैं और लंबा गहरा ट्विस्ट लें आप। इनहेल एंड एक्सहेल, लंबा गहरा ट्विस्ट और ट्विस्ट करते जाएं एक अच्छे लंबे समय के लिए। बैलेंस बनाए रखें यहाँ पे। जितना लंबा आप इस आसन में अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतरीन, उतना ही लाभदायक। आपकी पैरानाइजल साइनसिस को इतना अच्छा खुलने का चांस मिलता है और यहाँ से एक नाइट्रिक ऑक्साइड इफेक्ट भी मिलता है। पूरी बॉडी की ऑक्सीजनेशन होती है। ये कोविड की बीमारी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है अपने पैरानेजल साइनस कैविटी को खोलना। तो आप वापस आ जाएं और यहीं से आप अपने लेग्स को छाती की ओर, हाथ को बनाएं और यहाँ पे थोड़ा सा नेक को साइड टू साइड, अगर कुछ भी अड़चन आई हो आपकी नेक पे, इसको हम यहाँ पे हटा देंगे इस आसन के द्वारा। फिर आप आराम से आ जाएं और बैठ जाएं। यही होते हैं खास टेक्निक्स साइनस की बीमारी को दूर करने के लिए, अनुलोम विलोम क्रिया और साइड ट्विस्ट्स। मैंने आपको बहुत दो सिंपल दिखाए हैं, पर जो भी आसन आपको साइड ट्विस्ट कराए जैसे त्रिकोण आसन, वो सभी आसन आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि साइड ट्विस्ट आपके पैरानेजल साइनसिस कैविटीज़ को खोल सकता है और आपको यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी रेमिडीज़ बताऊँगी जो मैंने अपनी खुद की जीवन में अपनाई हैं। सबसे पहले आप हनी, शहद, जिंजर,
मतलब अदरक और पेपर मतलब काली मिर्च, इन तीनों का मिक्सचर बनाएं। और अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, आप इस मिक्सचर को रोज सुबह खाएं। आपको शहद बिल्कुल भी दूध के साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि जो दूध है वो म्यूकस क्रिएट करता है और जो शहद है वो म्यूकस को कम करता है। तो अगर आपकी साइनस कैविटीज इन्फ्लेम्ड हैं तो थोड़ा सा म्यूकस प्रोडक्शन होता है, तो हनी बहुत अच्छी चीज़ होती है म्यूकस को कट करने के लिए, अदरक भी और काली मिर्च भी, ये तीनों चीज़। मैं रोज़ सुबह एक काढ़ा पीती हूँ, गर्म पानी, अदरक और दालचीनी का। आपको क्या करना है कि आपको अदरक घोटना है और इसको 20 मिनट के लिए आपको गर्म पानी में उबालना है, उसके अंदर आपको दालचीनी डालनी है। और आप इस काढ़ा को फ्रिज पे भी स्टोर कर सकते हैं और दूसरे दिन गर्म करके इसको पी सकते हैं। तो ये काढ़ा आपको दिन के शुरुआत में पीना है, बिल्कुल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अगर आपको बार बार साइनस की बीमारी हो रही है तो आप दूध बिल्कुल हटा दो, फ्राइड खाना अपने डाइट से बिल्कुल भी हटा दो, क्योंकि ये सब म्यूकस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं और जितना म्यूकस बनता है आपके बॉडी में उतना ही साइनस आपको इन्फ्लेमेशन डाल सकता है। तो बस ये याद रखें कि साइनस की बीमारी के लिए शहद और अदरक, ये दोनों चीज़ें बहुत ही लाभदायक होती हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है साइनस के लिए, वो होता है थोड़ा सा जॉगिंग करना, क्योंकि क्या होता है कि जो बॉडी में जो हीट बनती है ये भी हमारे साइनस को मदद करती है। स्टीम का तो सब लोगों को मालूम ही है, स्टीम करना, और स्टीम में थोड़ा सा यूकलिप्टस का ऑयल डाल के स्टीम करेंगे तो वो भी भाप जो होता है हमारी साइनस के लिए अच्छा होता है। पर भाप को आपको 2 या 3 टाइम करना है रोज, ये नहीं कि बस आपने एक बार कर लिया 2 मिनट के लिए, नहीं, ये 3 से लेकर 4 बार दिन में जब हम करेंगे तो फिर ही बेनिफिट्स बनेंगे। परंतु ये जो बाहर वाला भाप होता है और जो अंदर वाला भाप हम अपने आप से बना सकते हैं, इसी के लिए मैंने जॉगिंग रेकमेंड किया, क्योंकि वो अंदर वाली जो हीट होती है अपने शरीर में वो वही इफ़ेक्ट देती है जो हमको एक्सटीरियर स्टीम या हमको भाप देती है। तो थोड़ा सा जॉगिंग या थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग, ये भी हमारी साइनस कैविटी को खोल सकता है। तो अगर मुझको कभी साइनस प्रॉब्लम हुई, कभी कभी जब मैं बहुत पोल्यूटेड एनवायरनमेंट्स में जाती हूँ तो कभी कभी मेरा फ्लेम अप हो जाता है, तो उस टाइम पे मैं एक अच्छे से जॉग पे जाती हूँ और तुरंत ही मुझको रिलीफ देता है। अगर आप एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या आपको लग रहा है कि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, एक दूसरी बहुत अच्छी रेमेडी है, आप रोज़ सुबह गर्म पानी, रॉक सॉल्ट, सफ़ेद नमक को मत इस्तेमाल करिए, आप रॉक सॉल्ट को यूज़ करिए और थोड़ा सा हल्दी। तो रॉक सॉल्ट 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और गर्म पानी 1 कप। इसका आप गरारा आप 3 से लेकर 4 मिनट तक करें। गरारा भी लोग बहुत कम समय के लिए करते हैं, बस 10 या 5 सेकेंड। तो आपको गरारा करना है, बाहर थूकना है, गरारा 30 या 1 मिनट के लिए करना है, बाहर थूकना है, आपको 3 मिनट के लिए करना है, ये फिर लाभ आएगा। जो आपका पूरा ENT रीजन है इसको बहुत एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस कंकॉक्शन के साथ जब आप गरारा करेंगे। यही सिंपल टेक्निक्स के द्वारा हम साइनस पेन को अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।